नमस्कार। आज एक बहुत ही शानदार गेम देखने वाले हैं मैग्नस कार्लसन और परम पूज्य आदरणीय अनीश गिरी का। तो इन दोनों के बीच एक बेहतरीन गेम हुआ था। मैग्नस कार्लसन जो कि करंट विश्व विजेता है, वर्ल्ड चैंपियन है, उनको हराना अनीश गिरी के लिए एक दिल से सुकून वाली बात भी थी, क्योंकि ऑफ द बोर्ड उन दोनों का बड़ा ही कुछ झगड़ा होता रहता है बहुत बार ट्विटर पे। कभी कभी वो बहुत हेल्दी होता है, लेकिन ऑन द बोर्ड जब जब कोई दो अच्छे प्लेयर खेलते हैं और कुछ मैग्नस कार्लसन को हराना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट? तो डायरेक्टली जाते हैं और खासकर वो ये था कि एक्सेलरेटेड ड्रैगन यूज किया था मैग्नस कार्लसन ने। क्या दिक्कतें आई, कैसे एंड गेम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हो गया था, कहाँ पे चांसेस थे मैग्नस कार्लसन के पास, सभी देखेंगे। डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखते हैं। ये जो राउंड हुआ था वो रैपिड में हुआ था। मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल एक ऑनलाइन टूर्नामेंट चालू है उसमें हुआ था। तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ था, राइट? E4 से स्टार्ट किया अनिश गिरी ने, C5, नाइट टू F3, G6। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हाइपर एक्सेलरेटेड ड्रैगन, ड्रैगन मेन लाइन और एक्सेलरेटेड ड्रैगन क्या होता है, राइट? हम देखते हैं मूव ऑर्डर में कैसे फर्क आता है। जनरली नाइट F3 में जब हम सेकेंड मूव D6 खेलते हैं, After D4, CD4, Knight to D4, Knight F6, Knight C3 and G6, regular chess players के सामने ये position बहुत बार आई रहती है, right? और यही normal Sicilian dragon है। लेकिन जब कोई accelerated dragon खेलता है, तो second move के लिए हम Knight C6 खेल सकते हैं, D4, C कर D4, Knight into D4, Knight F6, Knight C3 and G6। Actually आप fifth move की जगह fourth move पे भी जा सकते हो G6, यहाँ पे भी आप G6 जा सकते हो instead of Knight F6, और इनमें ये पोजीशंस आ सकते हैं। लेकिन सेकंड मूव पे जब मैग्नस कार्लसन ने G6 खेला, तो देयर शुड बी सम रीजन, राइट? और क्यों हाइपर एक्सेलरेटेड चूज करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। बहुत बार होता ही है जब आप सेकंड मूव नाइट C6 खेलते हो, तो बहुत लोग बिशप B5 खेलते हैं, जैसे कि अनिश गिरी भी बहुत बार बिशप B5 खेलते हैं उसमें, राइट? तो रोजोलिमो जो वेरिएशन है उसको अवॉइड करने के लिए पहला होता है मूव ऑर्डर चेंज करना, और भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, राइट? तो हुआ ये कि सेकेंड मूव G6 खेला, जिसको कि हाइपर एक्सेलरेटेड ड्रैगन बोलते हैं। D6 अगर आप खेलते हो नॉर्मली विदाउट G6 और बाद में वो ड्रैगन जाता है, तो वो सिसिलियन ड्रैगन होता है। अगर आप नाइट C6 के साथ जाते हो, तो वो एक्सेलरेटेड ड्रैगन होता है। लेकिन जब सेकेंड मूव G6 खेलते हैं और स्टिल ब्लैक जो है वो ड्रैगन सेटअप के लिए जा रहे हैं, तो उसको हाइपर एक्सेलरेटेड ड्रैगन बोलते हैं। सो D4 के लिए यहाँ पे मेन लाइन में गए, ओपन सिसिलियन में सी इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट C6 एंड C4। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे सी और डी पॉन एक्सचेंज हुए रहते हैं और व्हाइट ने E4 और C4 पे पॉन मेंटेन किया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैरोक्जी बाइंड। और मैरोक्जी बाइंड एक बहुत ही फेमस सेटअप है, राइट? तो C4 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे नाइट F6 खेला, नाइट टू C3 एंड देन फाइनली यहाँ पे जो है D6 खेल दिया ब्लैक ने। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, इवन अगर आप नाइट टू D4 यहाँ मारा होता, तो एक आर्टिकल आया था मुझे याद है न्यू इन चेस में, जहाँ पे E5 बताया था उन्होंने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि आज के लिए हम इसको नहीं देखेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन था यहाँ पे। D6 खेला, हालांकि D6 के अलावा उनके पास बिशप G7 भी था, जहाँ पे आप बिशप E3 के साथ जा सकते हो, या तो फिर आप नाइट इन टू C6 मार के और E5 भी ट्राई कर सकते हो, राइट? ये भी पॉसिबल है इसमें। लेकिन बिशप E3 अगर आप जाते हो तो कैसल बिशप E2, और ये सिचुएशन एग्जैक्टली जो बोर्ड गेम में हुआ था वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ एक मूव का फर्क है कि बिशप E3 इसमें जल्दी आया हुआ है और बिशप E2 बाद में। लेकिन गेम में ये हुआ कि D6 के बाद यहाँ पे अनिश गिरी ने यहाँ पे बिशप E2 खेला, जो कि एक्चुअली मेन लाइन है, राइट? हालांकि बिशप E3 के साथ भी आप जा सकते हो, बहुत बार सिमिलर सिचुएशन आ जाते हैं दोनों में ही। नाइट इन टू D4, राइट? अब यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी हमको कि अगर बिशप E3 खेला होता बिशप E2 की जगह, तो जब भी आप नाइट इन टू D4 मारोगे तो आप बिशप इन टू मार सकते हो, क्वीन इन टू मारने की जरूरत नहीं, राइट? लेकिन जब आप बिशप E2 खेलते हो तो पहले ही नाइट इन टू D4 आ सकते हो, और तब आपको क्वीन से ही मारना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली गेम में हुआ था, राइट? लेकिन हम देख लेते हैं बिशप E3 में क्या हुआ था, क्या हो सकता है। बिशप E3, बिशप G7 में भी बिशप टू E2, शॉर्ट कैसल, शॉर्ट कैसल, बिशप टू D7, क्वीन D2। अब सब कुछ सही है, ये जो बिशप है वो एक्सचेंज करने के लिए जा सकता है कभी भी, क्वीन इस नाइट को हटा के या एक्सचेंज करके। नाइट इंटू D4, बिशप इंटू D4, और मैं यही बता रहा था कि जब आप बिशप E3 पहले डेवलप करते हो, तो नाइट इंटू D4 को कम से कम आपके पास बिशप इंटू D4 का ऑप्शन है, जबकि दूसरे वेरिएशन में नहीं था। तो बिशप C6, F3 एंड A5। अब ये जो सिस्टम है इसको हाइपर एक्सेलरेटेड ड्रैगन में या एक्सेलरेटेड ड्रैगन में गुर्गिनेट सिस्टम बोलते हैं, और
ब्लैक से ये बहुत बहुत ही फेमस सा सेटअप है, राइट। जनरली बिशप को c6 पे मेंटेन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ e6, और नाइट जो है वो बाद में d7 c5 आ सकता है, और ये बहुत ही अच्छा कंटिन्यूशन है जहाँ पे ब्लैक के पास b3 मे बी, अगर आप व्हाइट से खेलते हो नाइट d7 बिशप टू e3 नाइट c5 एंड देन रुक ab1। यहाँ पे आपने एक बात नोटिस किया होगा कि व्हाइट ने बिशप एक्सचेंज नहीं किया, जनरली इनमें बिशप रखना चाहिए बोर्ड पे, राइट। एंड देन ब्लैक के पास एक बहुत अच्छा कंटिन्यूशन है बिशप e5। अगर आप कभी भी एक्सेलरेटेड ड्रैगन देखते हो तो ये लाइन आप जरूर देखना। हालांकि इसके अलावा क्वीन b6 बहुत पॉपुलर है, लेकिन बिशप e5 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। गेम में हुआ ये कि 7th मूव पे बिशप e2 खेल दिया, तो उन्होंने बिशप e3 खेला नहीं, नाइट इनटू d4 मारा, क्वीन इनटू d4, बिशप टू g7, शॉर्ट कैसल एंड देन क्वीन d3। अब आप देखो क्वीन d3 रखने से क्या हुआ कि फ्यूचर में जब भी नाइट c5 पे आएगा तो क्वीन पे अटैक करेगा, राइट, जबकि वो बिशप e3 और क्वीन d2 वाले वेरिएशन में ऐसा जनरली नहीं होता है। a5 खेला, बिशप टू e3, बिशप d7। जनरली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बिशप जो है वो d7 से, भले इसमें दो मूव लग रहे हैं बट ये सही प्लेस है बिशप e6 से, राइट। सो बिशप d4 खेला यहाँ पे, बिशप टू c6 एंड फाइनली यहाँ पे b3 खेल दिया। मुझे लग रहा था यहाँ पे कि आप f3 जैसे मूव कर सकते हो जिसमें कि एक्चुअली नाइट d7 आ रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है उन्होंने a4 को रोकने के लिए किया होगा, नहीं तो वो a4 भी खेल सकते हैं, राइट, ताकि ये जो स्क्वायर है वो क्वीन के लिए यूज कर सकते हो और क्वीन साइड में आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है। तो उसको देखते हुए बिशप c6 के बाद b3 खेला, नाइट d7, बिशप इनटू g7। अब जनरली बिशप इनटू g7 जो है वो टेक्निकली इतना सही नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि इन पोजीशंस में जो है वो आपको रखना चाहिए पीस, राइट, बोर्ड पे डार्क कलर बिशप खासकर व्हाइट को, राइट। सो बिशप g7 खेला, किंग इनटू g7, क्वीन d4 चेक एंड किंग g8। अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो मेन एम होता है ब्लैक के लिए एक्सेलरेटेड ड्रैगन में वो ये होता है कि आप नाइट c5 पे मेंटेन करो फिलहाल, और जब भी ये नाइट d5 पे आएगा बिशप से मार दो, और आप गुड नाइट वर्सेस ये जो बैड बिशप है, मैं इसको बैड बिशप इसलिए बोल रहा हूँ कि f3 के बाद ये बिशप अंदर रहता है पॉन चेन के और इतना कुछ कर नहीं पाते। हालांकि गेम में इसके कंप्लीट विपरीत हुआ, उलट हुआ, वो हम देखते हैं कैसे। रुक fd1 खेला यहाँ पे, b6, क्वीन b6, नाइट b6। अब एक्चुअली यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा था, मुझे ये पोजीशन सच में तो ठीक लग रही थी ब्लैक के लिए, क्योंकि इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। बट देन व्हाइट प्लेड f4। अब आप यहाँ पे जो है जैसे ही f4 खेला, ब्लैक ने खेला यहाँ पे f5। अब f5 के बाद यहाँ पे into f5 ऑलमोस्ट मुझे ठीक लग रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड देन ब्लैक प्लेड रुक into f5। अब मैग्नस कार्लसन ने ये मारा था रुक into f5, जबकि बहुत सारे गेम्स में आपको देखने मिलेगा कि जब पॉन इंटू पॉन एक्सचेंज होता है इसमें, नॉट एग्जैक्टली दिस पोजिशन बट बहुत सारे और पोजीशन में, तब आप पॉन इनटू भी मार सकते हो, बिकॉज ये पॉन जो है वो आपको e4 स्क्वायर दे रहा है, साथ ही साथ पॉन्स आपके सेंटर की तरफ आ रहे हैं, तो वो टेक्निकली भी सही लग रहा है, और बिशप कभी ऐसा अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लाइक जैसे पहले रुक आया तो वो अटैक कर सकता है। लेकिन हालांकि मैग्नस कार्लसन को लगा रुक इनटू f5 ज्यादा अच्छा है, और g3 खेला यहाँ पे, f4 मर रहा था, g5 अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वीन बोर्ड पे नहीं है, राइट। तो बिशप d3 खेला, रुक c5 ओनली मूव, नहीं तो g5 मर जाता है यहाँ पे, रुक e1। अब फाइनली e7 मर रहा है, उसको बचाया रुक e8 से, नाइट e4, बिशप इनटू e4, बिशप रुक इनटू e4, क्योंकि बिशप इनटू मारते आप तो जी इंटू f4 आके ये पॉन अलग हो जाती थी, राइट। हालांकि b7 पे अटैक था बट फिर भी ये सही लग रहा है। तो रुक खेला, जी इंटू f4, रुक इंटू f4 एंड नाइट d7। फाइनली ये जो नाइट था जिसको कोई अच्छा स्पॉट नहीं था इधर, वो अब आ रहा है नाइट e5 पे, जो सेंट्रलाइज्ड उसका पोस्ट है, और ये बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है उसके पहले जस्ट आप रुक जो है उसको निकाल लो तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये रुक बाद में c5 पे कुछ नहीं करेगा, राइट। तो रुक e1 खेला यहाँ पे, नाइट e5, बिशप मर रहा है, बिशप टू e4 एंड फाइनली अब जो है यहाँ पे बिशप जो है वो अटैक भी कर रहा है और f3 को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पोजिशन में f3 इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे b5 खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। हालांकि मैं देख रहा था कि अगर किंग g7 खेलते तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती थी, जैसे कि रुक h4 आप जा सकते हो, h6 में भी बिशप इनटू b7, इसमें रुक b8 जा सकता है ब्लैक, बिशप टू d5। अब यहाँ पे आप रुक इनटू d5, इनटू d5, नाइट f3 जैसे मूव खेल के भी इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा उसको, मतलब वो एंडिंग बन भर के मुझे लगता है ब्लैक ड्रॉ कर लेगा, बट एक चांस था वो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है a4 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये एक्सचेंज हो जाता है सपोज, तो वो पोजीशन आप फिर जा सकते हो, राइट।
या फिर आपके पास ऑप्शन था कि आप रुक डी फाइव मारो, सी डी फाइव, नाइट एफ थ्री चेक, किंग टू एफ टू, नाइट इंटू ई वन, किंग इंटू ई वन एंड देन रुक टू बी फाइव, मे बी रुक डी फोर, और अब ये पोजिशन आप खेल सकते हो, मतलब आपको लगेगी। बट इसमें फिर भी पॉन डाउन है, भले ये वीक है थोड़ा और किंग जो है वो यहाँ आ रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा मतलब आप ड्रॉ एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो में, राइट व्हाइट के लिए। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कुछ प्रॉब्लम था व्हाइट के लिए कभी भी। हालांकि गेम में बी फाइव खेला मैग्नस कार्लसन ने, सी इन टू बी फाइव, रुक इन टू बी फाइव एंड फाइनली रुक एच फोर। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस पोन को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और फाइनली आप किंग जी से नहीं आए तो एच सिक्स भी नहीं जा सकते हो, राइट। तो रुक बी फोर खेला, रुक बिशप इन टू पॉन, किंग टू जी सेवन, बिशप वापस ई फोर पे खेल दिया, बिकॉज अगर आप बिशप और कहीं खेलोगे तो फिर ये पॉन डबल हो जाएंगे रुक इंटू एच फोर के बाद जी इंटू एच फोर, एंड वो अच्छा नहीं रहेगा, राइट। तो बिशप इंटू एच सेवन को किंग जी सेवन के बाद वापस किंग बिशप ई फोर खेल दिया ए फोर, और अब उनका आइडिया यही था कि ये जो पॉन्स है टू वर्सेस वन उनमें से एक बच जाए और उसको अटैक करें। लेकिन जैसे ही बी इंटू ए फोर मारा, रुक इंटू ए फोर मारा एंड फाइनली यहाँ पे आप देखो कि रुक ई टू आ रहा है, और इसके बाद ये पोजीशन इतनी आसान नहीं लग रही थी क्योंकि व्हाइट के पास हमेशा ये जो पॉन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। हालांकि ब्लैक के सेंट्रलाइज पॉन है बट वो आगे नहीं आ रहे। इसमें एक और बहुत अच्छी मूव खेला था अनीश गिरी ने आगे, वो देखते हैं इस एंड गेम को, राइट। सो यहाँ पे रुक ई टू को रुक एच एट खेला क्योंकि रुक एच सेवन चेक आ रहा था उसमें, तो उसको रोकने के लिए। हालांकि जैसे ही रुक एक्सचेंज हुआ, रुक इन टू एच एट, किंग इन टू एच एट, बिशप डी फाइव, अब बिशप जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बिशप बी थ्री आप खेल सकते हो एंड देन इसको आप इजीली नहीं हटा सकते बिकॉज ई सेवन जो है वो हैंगिंग है, राइट। रुक ए फाइव खेला, बिशप टू बी थ्री, ईजी मूव था, नाइट सी सिक्स, आइडिया यही है कि ई फाइव खेल के नाइट डी फोर खेलना है, पर रुक डी टू खेला, ये मूव मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट जो है इन दोनों पॉन्स को रोके रखे और अपना किंग इंप्रूव करके इन पॉन्स को पुश करे, राइट। अदरवाइज सेंट्रलाइज पॉन कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, राइट। किंग जी सेवन खेला, किंग टू जी टू, नाइट ई फाइव, एच थ्री, नाइट टू डी सेवन, रुक ई आउट टू, अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ब्लैक ने यहाँ पे किंग एफ एट खेला, मुझे लग रहा था शायद ई फाइव जो है वो एक आ सकता है, लेकिन उसमें डेफिनेटली इन पे प्रॉब्लम रहेंगे, राइट। तो किंग एफ एट खेला, रुक टू एफ टू चेक, नाइट एफ सिक्स, जी फोर। अब देखो आप कि ब्लैक के पॉन्स आगे नहीं आ रहे हैं और व्हाइट के पॉन्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, राइट। तो किंग जी सेवन खेला, रुक टू एफ फोर, मेरे ख्याल से जो रुक है वो भी अभी एक्टिव लग रहा है, ई फोर भी कंट्रोल कर लिया और साथ ही साथ आप किंग जी थ्री, एच फोर, एच ये सब जा सकते हो, राइट। तो डी फाइव खेला, जी फाइव एंड फाइनली अब नाइट ई फोर एक मूव आ सकती है, तो नाइट ई फोर खेला, बिशप इन टू डी फाइव, रुक इन टू मारा तो रुक इन टू आप आ सकते हो और वो एंड गेम। आई एम नॉट श्योर कि वो डायरेक्टली विनिंग है, हाँ ऑब्वियसली आप जी फाइव नहीं मार सकते उसके बाद क्योंकि रुक जी फोर आ जाएगा और वो पॉन एंडिंग लॉस्ट है, राइट। अगर हम देखें इसको रुक इन टू डी फाइव, रुक इन टू ई फोर, तो आप ये नहीं जा सकते हो बिकॉज ये आ रहा है, राइट, और ये जो पॉन है वो सीधा क्वीन बन जाएंगे। तो उसको देखते हुए उन्होंने नाइट इन टू जी फाइव मारा मैग्नस कार्लसन ने, बिशप बी थ्री, अभी भी एक पॉन एक्स्ट्रा है। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि दोनों रुक एक्सचेंज हो जाते हैं और नाइट के बदले ये पॉन मिल जाती है तो बिशप और ये जो पॉन है ये दोनों रॉन्ग कॉर्नर बिशप, आपको शायद पता हो एंड गेम का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, वो नहीं जीत पाएंगे, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ई फाइव खेला यहाँ पे, रुक टू ए फोर, रुक सी फाइव, रुक सी फोर, रुक टू ए फाइव, यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले मैं अनीश गिरी डेफिनेटली। एच फोर खेला, नाइट टू ई सिक्स, रुक ए फोर, नाइट एफ फोर चेक, ऑब्वियसली अभी आप रुक सी फाइव नहीं आ सकते हो, बिशप इन टू ई सिक्स मर रहे, तो नाइट एफ फोर चेक दिया, किंग टू एफ थ्री, रुक सी फाइव, फिर से रुक सी फोर खेला, रुक टू ए फाइव एंड देन रुक चेक। यहाँ पर एक भयानक गलती कर दिया उन्होंने और किंग जो है वो एच एट पे खेल दिया, एच सिक्स पे खेल दिया। शायद मुझे लगता है एच एट या और कोई स्क्वायर भी सेफ रहता, लेकिन यहाँ पे खेलना मतलब एक हिसाब से सुसाइड ही था बिकॉज प्रॉब्लम ये हुआ कि बिशप सी टू के बाद यहाँ मेट लग गई है, राइट। रुक ए थ्री चेक दिया, किंग जी फोर, नाइट टू डी थ्री ब्लॉक कर दिया उस डायगनल को, लेकिन आफ्टर किंग एफ फाइव नाइट बी फोर खेला, बिशप टू ई फोर। अब आप देखो ये जो नाइट है वो अच्छा नहीं लग रहा है और कहां हमने एक बार स्टार्ट किया था कि गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप होगा, बट यहाँ पे उल्टी आ गई बात, गुड बिशप वर्सेस बैड नाइट आ गया, राइट। रुक इन टू ए टू मारा एंड फाइनली इस डायगोनल को ओपन करना था मेट करने के लिए, किंग जी फोर खेला ऑन मूव नंबर 58 अनीश गिरी ने और मैग्नस कार्लसन को रिजाइन करना पड़ा पहले दिन, राइट।
लेकिन अभी टूर्नामेंट बहुत बड़ा है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाउंस बैक करेंगे। और मैग्नस कार्लसन ने टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया था क्योंकि इसके पहले के कुछ राउंड्स वो जीते थे, राइट। सो एक बहुत बढ़िया गेम हुआ और एक्सेलरेटेड ड्रैगन को यूज करके वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे। हालांकि मुझे लगता है इवन F5 तक भी पोजीशन सब कुछ ओके ही था, बाद में उन्होंने मिस्टेक कर दिया तो वो अलग बात है एंड गेम में। अदरवाइज ओपनिंग का कुछ मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। अनिश गिरी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, हैट्रिक मारा था उन्होंने पहले दिन, राइट। सेकेंड डे देखते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा होता है। और भी अगर इंटरेस्टिंग कुछ गेम्स हैं तो डेफिनेटली मैं उसको लेके आऊंगा। और आपके पास कोई सजेशन है तो भेजो, हम लोग देखते हैं, राइट। बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और थोड़ा ध्यान रखो। बाय।